अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं अपने किचन में जो है ना बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी चीज़ बना रही हूँ। आपके पास अगर ब्रेड बच जाए, ब्रेड क्रम्स बच जाएँ, तो उनका जो है ना ये बेस्ट यूज़ है। आपके पास अगर ज़्यादा पड़े बने हुए पड़े हैं और वो आजकल मौसम ऐसा है तो ख़राब हो सकते हैं, तो आप उसको जो है ना ये पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या पोटैटो कटलेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार और इजी सी रेसिपी है, स्पेशली उन मदर्स के लिए जिन मदर्स के बच्चे छोटे हैं और उनको जो है ना घर में कोई ऐसी चीज़ बना के रखनी होती है, तो वो ये स्नैक्स बना के अपने बच्चों को दे सकती हैं। हेल्दी भी हैं और घर के बने में भी हैं और लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। उन मदर्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी जो मदर्स जिनके बच्चे जो है ना वो स्कूल जाते हैं। तो जितनी देर में ये स्नैक्स बनते हैं आप उतनी देर में जो है ना मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चले आ जाएं रेसिपी की तरफ। यम्मी और मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें ये पोटैटो है, ये तकरीबन हाफ के जी के करीब पोटैटो है। इनको मैंने बॉयल करके छील लिया है और उसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स हैं, ये हाफ बाउल है। यूजुअली घर में ब्रेड बच जाती है तो मैं जो हूँ ना उसके क्रम्स बना के फ्रिज में रख लेती हूँ, तो फिर ये इस तरह से यूज़ हो जाते हैं आपके। तो उसके अलावा मैं ये स्नैक्स छोटे बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, तो जो है ना इसमें कम स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं। इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और थोड़ा सा सब्ज धनिया इसमें शामिल करूँगी मैं। अब हम मैशर के साथ पोटैटोस को अच्छी तरह मैश करते हैं ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें और फिर ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल करते हैं। मैं मैश करती हूँ और मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे हाथों से। अब मैं करूँगी मैश इसको ताकि जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर मैं ये क्रम्स शामिल कर दूँगी और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। और फिर इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और ग्रीन कोरिएंडर, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। ये बहुत इजी बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप बच्चों को चाहे तो लंच में भी बना के दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, उनके साथ बच्चे हैं और आप कोई ऐसी चीज़, बच्चे यूजुअली स्पाइसेस नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये बनाएं, ये बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं। मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं उनके लिए हाथ से बना रही हूँ, मैं इसलिए इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं शामिल कर रही। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल डो इसकी रेडी हो गई है। अब मैं इसके कबाब बनाती हूँ और मैं फिर आपको दिखाती हूँ साथ साथ। हमें इसके कबाब बनाती हूँ छोटे छोटे। यूजुअली खाने के टाइम पे रात के टाइम खाने में जो है ना समटाइम ये होता है कि सालन खत्म हो जाता है, सालन थोड़ा होता है, तो इंसान जो है ना साथ इस तरह की चीज़ भी बना लेता है। तो ये जल्दी भी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, किचन में खड़ा होने को दिल भी खड़ा होता है। आप इस तरह की चीज़ बना सकते हैं आराम से, किचन में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। जितनी देर में मैं ये कबाब बना रही हूँ उतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें वीडियो को और मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं। ऐसे ही सारे कबाब बनाती हूँ और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारे जो है ना ये कबाब बन के रेडी हो गए। अच्छा, ये आप चाहें तो इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। मैं इसको जो है ना 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखूँगी और मैं थोड़े से आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर आप अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, अगर अंडा घर में अवेलेबल नहीं है आप जो है ना सिंपल भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड क्रम्स आपने डाले हुए हैं इसमें तो ये जो है ना ये टूटेंगे नहीं। अभी इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, फ्रिज में रखती हूँ मैं और उसके बाद मैं फ्राई करती हूँ और मैं आपको साथ दिखाती हूँ। आधे घंटे का रेस्ट दिया था, फ्रीज़र में रखा था मैंने और अब जो है ना ये मैंने एग ले लिया, इसको फेंट लिया अच्छी तरह और अब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया और अब इन्हें फ्राई करती हूँ और मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ। जो है ये मैं फ्रीज कर लूँगी
बच्चों के लिए, और दूसरे वाले जो मैं फ्राई कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं फ्राई कर रही हूँ लो फ्लेम के ऊपर, एग इसको मैंने लगाया। आप एग के बगैर भी बना सकते हैं और एग के साथ भी बना सकते हैं। इसकी साइड चेंज की है, ये इसे दूसरी तरफ से भी कुक करूँगी और मैं फिर दोबारा से इसको जो है ना इसकी साइड चेंज करके इसे बना लेंगे। इसे तकरीबन बनने में जो है ना 5 से 10 मिनट लगते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।